तो आज लेते हैं वानिया का इंटरव्यू आज वानिया का इंटरव्यू लेते हैं, वानिया से पूछते हैं पेपर्स के बारे में। रेडी फॉर इंटरव्यू? देखते हैं आज वानिया का इंटरव्यू में वानिया बताती है क्या बताती है वानिया अपने इंटरव्यू में। जी वानिया, पेपर कैसे हुए? बहुत जबरदस्त पेपर सारे सब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे पेपर। बस आप सब दुआ करें कि रिजल्ट भी अच्छा है। सही। और स्कूल लाइफ कैसी गुजरी अब तक की? बहुत अच्छी जर्नी थी स्कूल की, अब नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट होने वाली है कॉलेज की। कैसा फील हो रहा है कॉलेज में जाने से? एक्साइटमेंट है बहुत। अच्छा, और अच्छा स्कूल लाइफ में कोई ऐसी शरारत की है जैसे कि स्टूडेंट्स करते हैं अक्सर? शरारत तो मैंने कभी नहीं की थी, मतलब कोई कंप्लेन आई कभी स्टडी को लेके या किसी और चीज को लेके? स्टडी को लेकर तो कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं है बाकी। हाँ ये बात तो है, स्टडी को लेके वानिया की कभी कोई कंप्लेंट नहीं होती थी। वानिया की मैं एक बात बताती हूँ, वानिया की जब कोई पेरेंट्स मीटिंग होती थी और मैं पेरेंट्स मीटिंग में जब मैं जाती थी ना, तो टीचर जबकि बताती हूँ, जब ये KG 1 KG 2 की बात है, 1-2 मतलब जब बहुत छोटी थी जबकि बात है, मतलब ये पहली थी जो ये जाती थी स्कूल ना, तो इसको लेके हम लोग भी बहुत मतलब वो थे, एक्साइटेड थे कि इसके लिए होना चाहिए, वो होना चाहिए, हर चीज़ अरेंज करके रखते थे, चीज़ें भी मतलब खूब सारी सारी ले लेके जाते थे, 200-250 रुपए की उस वक्त, आज से कोई कितने 10 साल तो हो गए होंगे, 10-11-12 साल मतलब स्कूल को तो 13 साल हो गए, लेकिन मैं 10-11-12 साल की साल पहले की बता रही हूँ, चीज़ें भी खूब ठीक ठाक लेके जाती थी, जूस कोल्ड ड्रिंक चॉकलेट बिस्किट, इसकी क्या कंप्लेन होती थी? इसकी ये कंप्लेन होती थी, टीचर कहती थी ये आती है और ना रोने शुरू हो जाती है और कहती है कि ना मेरी छुट्टी कब होगी, और ना बस रोती रहती और ना अपनी चीज़ें खाती रहती इसकी हमेशा यही कंप्लेन होती थी, पढ़ाई को लेके इसकी कभी कोई कंप्लेन नहीं आई, टीचर हमेशा यही कहती थी कि ये पढ़ने में बहुत अच्छी है, लेकिन क्या कहते हैं ना, ये बस ये स्कूल आती है और ना स्कूल आते ही बल्कि फाइल भी खाना शुरू करती है और रोना शुरू करती है कि मेरी छुट्टी कब होगी। मैं आपको ना फाइल भी दिखाऊंगी, फाइल में जो इसकी कंप्लेन लिखी हुई है ना, वो यही वाली कंप्लेन लिखी हुई है, वाली फाइल निकल कर ला। अभी मैं आपको फाइल में दिखाती हूँ कि इसकी कंप्लेन क्या लिखी हुई है, और अभी तक मुझे मतलब जब तो खैर छोटी थी तो इसको जब मैं मतलब मुझे कंप्लेन का पता चला ना इसकी ये कंप्लेन, उस वक्त मैंने इसको मतलब थोड़ा डांटा कि इस तरह नहीं करते, छुट्टी हो ही जाती है तुम्हारी, जल्दी लेने के लिए आ जाती हूँ मैं जल्दी, मतलब छोटे बच्चों की तो जल्दी हो जाती है ना, बड़ी क्लास की नज़र तो इसकी छुट्टी जल्दी हो जाती थी, मैं इसको टाइम पर लेने पहुँचती थी, लेकिन है ना ये यही हरकत करती थी। और इसकी कंप्लेन मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, इसकी जो फाइल है ना एक नोटिस लगा हुआ है और नोटिस में लिखा हुआ क्या है वो आप पढ़िएगा सर फाइल जो है ना वो अभी तो मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ रखी रही होगी, बहरहाल बाद में मुझे मेरे हाथ में जब भी आएगी ना मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी वो फाइल। बाकी इसकी मैं ये जो रिजल्ट है ना अब तक का वो दिखाती हूँ, नर्सरी KG 1 KG 2 1 2 3 4 5 6 7 8 वो दिखाती हूँ मैं भी आप लोगों को। माशाल्लाह शुरू से ना ये पोजीशन होल्डर रही है, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी ना रिपोर्ट कार्ड, ज़रा अरेंज कर लूँ सीरीज वाइज 1 2 3 4 5 इस तरह, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये इसकी नर्सरी की है, नर्सरी में ये 7th आई थी, फर्स्ट राउंड में 2nd आई थी, और थर्ड आई थी, फाइनल थर्ड में उसने 2nd राउंड में, और फाइनल राउंड में 7th आई थी, और इसके बाद ये KG 1 की है, ये थोड़ा ब्लर हो गया है क्योंकि काफ़ी पुरानी है ना ये रिपोर्ट्स, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एंड ये फाइनल थर्ड आई, अब ये आई है KG 2 में, ये रहा के सेकंड
सेकंड ये है वन क्लास की, वन क्लास से फिर इसका जो है ना रैंक जो बना है ना फिर बिगड़ा नहीं, ये फर्स्ट और ये फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट, फिफ्थ, अच्छा ये सेकंड, मतलब आती टॉप टेन के अंदर ही थी, फर्स्ट 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 एंड देन फर्स्ट। इसके स्टिकर्स वगैरह भी सब ऐसे कैसे लगे हुए जो इसको जो मिलते हैं ना रिपोर्ट कार्ड्स अरेंज होके, फर्स्ट फर्स्ट एंड देन फर्स्ट, एक रिपोर्ट कार्ड जो ना हारवानिया की गुम हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ था जो ना सेकंड फर्स्ट है ना, हाँ ये रहा फर्स्ट, ब्लर हो गया ये ना, मिट रहा है क्योंकि ये और ये तो वो कोरोना वाला, कोरोना वाली रिपोर्ट है ये, तो कोरोना का जो ईयर था ना, और देन ये है फर्स्ट, ये भी फर्स्ट है, फर्स्ट है वो क्या कोरोना चल रहा था, कोरोना की वजह से जो है ना इसका फर्स्ट, ये देखें लिखा हुआ भी कोविड कोविड 19 की वजह से जो ना इन्होंने सेकंड टर्म में वो नहीं बनाया था रैंक, वैसे परसेंटेज बनाई थी और फाइनल में तो फिर आई ही फर्स्ट थी, 92% थी। और उसके अलावा भी मैं अभी आप लोगों को ना काफ़ी कुछ दिखाती हूँ, है तो बहुत कुछ दिखाने के लिए वानी के पास, ये देखें इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं इसके, हाईएस्ट परसेंटेज के, परफॉर्मेंस के, फर्स्ट पोजिशन, और ये जो पार्टिसिपेट करती थी हर चीज में, हर चीज में 6 सितंबर को जो इनके स्कूल में फंक्शन हुआ था तो उसमें इसने निशान हैदर बना के दिया था मैंने इसको ना मैडम, तो मैडम के ऑफिस में भी अभी तक लगा हुआ है, थर्ड पोजीशन ये सब सारी परफॉर्मेंस जो है साइंस एग्जीबिशन में भी इसने पार्टिसिपेट किया था, तो हाईएस्ट परसेंटेज पर हाईएस्ट अटेंडेंस ये रही हाईएस्ट अटेंडेंस, क्योंकि ये मैं इसकी स्कूल की छुट्टी भी नहीं करवाती थी बिल्कुल भी, अब तक इसको यही याद आती हाईएस्ट परसेंटेज फर्स्ट पोजीशन इतनी सारी ये सर्टिफिकेट्स हैं और माशाल्लाह इसके इतने सारे डिबेट स्कूल में डिबेट हुई थी, तो उस पर भी इसको कंपटीशन में इससे किया था, तो इसको ये भी डिबेट पर भी मिला था, बहुत अच्छी डिबेट थी इसने ना, तो मैं क्या बता रही थी इसकी माशाल्लाह इतनी सारी शील्ड्स भी हैं, इतनी सारी शील्डें भी, मतलब एक इतना बड़ा शॉपर है ना वो भर के ना मैंने अभी तो रखा हुआ है इसको, मतलब सेट करके मैंने रखा नहीं है, उसको लगाना है सजाना है, तो माशाल्लाह से जो ना ये शुरू से पढ़ने में बहुत अच्छी रही है ना, तो उस वजह से इसकी इतनी सारी हाईएस्ट परसेंटेज की और हाईएस्ट अटेंडेंस की, और कोई भी कंपटीशन में ये पार्टिसिपेट लाजमी करती थी, मेरा इसने इतना दिमाग खाया है ना इन सालों के अंदर, इतना दिमाग खाया है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, इसने ये मेरे मुझे ना बहुत साइको करके रखती थी, मुझे ये बिल्कुल पागल बना के रखती थी कि मुझे ये करना है, मुझे ये लाजमी करना है, टीचर ने ये बोला है मुझे ये ला कर दें, मुझे ये बना के दें, पता नहीं क्या 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 क्या, स्कूल वाले का तो पता ही आप लोगों को कि कितना खर्चा करवाती थी ये मेरा ये लड़की, और बस करना होता था इसको, चाहे कोई और बच्चा नहीं करे लेकिन इसको करना है, और बच्चे सब मिलके 3-4 लड़कियों ने ग्रुप मिलाया बनाया और सब ने मिलकर कर लिया, लेकिन ये कहती थी नहीं मैं तो अकेले करूँगी, मैं तो अकेले नहीं टीचर हम अकेले बना देंगे, मैंने बोला भाई ये बड़ी बेवकूफ़ लड़की है कि और लड़कियाँ तो सोचते हैं चलो काम भी इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि कुछ किसी ने कर लिया कुछ किसी ने कर लिया और जो है ना पैसे भी फिर कम आते हैं, लेकिन ये तो किसी चीज़ को सुनती नहीं थी देखती नहीं थी, ये सिर्फ अपनी मनमानी कर रही होती थी हर चीज़ में, और क्या कहते हैं ना बस इसको जो ना अकेले हर चीज़ अकेले चाहिए इसको, तो माशाल्लाह आज जो है वो मैट्रिक इसका कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से, इंशाल्लाह पेपर जब बहुत अच्छे हुए तो रिजल्ट भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा, बस अल्लाह ताला नज़रें बद से बचाए और इस तरीके से जो ना
सबके बच्चों को अल्लाह ताला कामयाब करे, कामयाबी दे अल्लाह ताला सबके बच्चों को।